हाय गाइस, वेलकम टू अपनास रेसिपी। फ्रेंड, जैसे बारिश होती है, मन होता है कुछ गर्मा गर्म खाने का। और अगर बारिश के मौसम में कांदी भजी नहीं खाई तो क्या खाया? जी हाँ, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ महाराष्ट्र की फेमस और मेरी फेवरेट कांदी भजी की रेसिपी, जो कि बनाना बहुत आसान है और खाने में सुपर टेस्टी। कांदी भजी बनाने के लिए हमने ले लिया है ये मीडियम आकार की प्याज, जिसे कि हमने छील के धो लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कट करके हम इसके बारीक बारीक स्लाइस में से कट कर देंगे। तो सबसे पहले हम प्याज को पतले पतले से कट कर लेंगे, आधा से कट करेंगे और इसके एकदम बारीक बारीक स्लाइस जो होते हैं बस ऐसे हम इसे कट कर लेंगे, देखिए ऐसे। लेकिन जो स्लाइस है बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा मोटे होना चाहिए, इस तरह से। तो हम सारे प्याज को हम स्लाइस में कट कर लेते हैं। देखिए, जो प्याज का ऊपर वाला भाग है इसको थोड़ा ज़्यादा कट कर लेंगे, जिससे कि इसके हमें जब स्लाइस करेंगे, क्योंकि हमें इसके जो स्लाइस है इसको अलग अलग करना है, तो इसके स्लाइस एकदम अलग अलग निकलने लग जाएंगे। तो इसके ऊपर और नीचे भाग को थोड़ा ज़्यादा कट कर लेंगे। अब हम लेंगे एक बड़ा सा बाउल और उसमें डाल देंगे हमारे ये कटे हुए प्याज। फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को जरूर बना के देखिएगा, क्योंकि आपने पकौड़े तो बहुत बार खाए होंगे, मुंगड़े बनाए होंगे, लेकिन जो कांदी भजी का जो टेस्ट है और जो प्रॉपर तरीके से बन जाए तो उसकी बात ही कुछ अलग है, और बारिश के मौसम में तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये प्याज है इसको हाथ की सहायता से ऐसे मसलते हुए इसके जो एक एक स्लाइस है उसको अलग अलग कर लेंगे, क्योंकि जितनी अच्छी स्लाइस अलग होगी उतनी ही अच्छी हमारी ये कांदी भजी बनेगी। तो सबसे पहले हम इसे अलग अलग कर लेते हैं, देखिए इस तरह से एक एक स्लाइस इसके अलग अलग हो जाने चाहिए। देखिए, प्याज को हमने अलग अलग कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे एक चम्मच नमक और साथ ही इसमें डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी और इसे फिर से एक बार अच्छे से मसल लेंगे, क्योंकि हमने इसमें अभी नमक डाला है तो नमक अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा, ऊपर से ये नमक अपना पानी छोड़ेगा, क्योंकि हमें इसका जो बैटर बनाना है इसको हम बिना पानी डाले इसमें बनाएंगे, तो इसीलिए जितना पानी अगर हम नमक का निकल जाता है उसी में हम अपने बैटर को भिगा लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे कुछ मसाले, जिसमें हम डाल देंगे आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, अगर आप तेज खाते हैं तो थोड़ी सी मात्रा को बढ़ा सकते हैं। आधा छोटा चम्मच डाल देंगे इसमें हम अजवाइन, पकौड़ा अजवाइन की बना धो रहे हैं, साथ ही इसमें डाल देंगे एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा डाल देंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी पकौड़े में डालने से इसका जो टेस्ट है बहुत बढ़िया आता है, तो इसे आप जरूर डालिएगा, और साथ ही डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया, और इन सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर दिया है। हमने इसमें ऑलरेडी नमक और हल्दी पहले डाल चुके थे, और हमने इसमें ले लिया है एक बाउल बेसन। तो बेसन को हमको एकदम डायरेक्ट नहीं डालना है, हम उसे धीरे धीरे डालेंगे। तो इसमें हम दो दो तीन तीन चम्मच करके बेसन डालेंगे और उसे मिलाते जाएंगे, क्योंकि जो कांदी भजी है उसका जो टेस्ट है बिल्कुल उसके प्याज में है। अगर हम बहुत ज़्यादा बेसन डाल देंगे तो जो हमारी कांदी भजी है बिल्कुल पकौड़े टाइप बन जाएगी। तो इस बस इसके हल्का सा हाथों से इसे बेसन के साथ में हम मिक्स करते जाएंगे। इसमें अभी हमने दो चम्मच बेसन डाल के मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे दो चम्मच चावल का आटा। चावल का आटा डालने से क्या होता है ना कि जो हमारे भजी बनेंगे एकदम क्रिस्पी, एकदम कुरकुरी बनेंगी, बिल्कुल मार्केट जैसी। तो ये चावल के आटे को भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो इसमें हम दो चम्मच बेसन और दो चम्मच हमने इसमें चावल का आटा डाला है। तो देखिए, अब ये हल्का सा इसमें थोड़ी कसर रह गई है, तो इसमें एक चम्मच बेसन और डाल देते हैं। और इसे मिक्स कर लेते हैं। इसमें हमें पानी का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, बस हमको जिसका मॉइस्चर आया है प्याज का उसी से हमें इसको भिगाना है, और इसमें बहुत ज़्यादा बेसन भी नहीं डालना है, नहीं तो फिर वो एकदम बेसन बेसन सा लगेगा, उसमें प्याज की जो टेस्ट है वो दब जाएगा। बस इसको हम ऐसे थोड़ा सा दबा के देखेंगे कि इसका ऐसे बाइंडिंग बन रही है या नहीं। तो देखिए बन रही है, लेकिन फिर भी इसमें हमें एक चम्मच और बेसन मिलाना पड़ेगा, क्योंकि ये ठीक से नहीं बन रही है, और इसमें बिल्कुल भी सोडा या इनो का उपयोग नहीं करेंगे।
फिर भी जो हमारे कांदी भजी है बिल्कुल क्रिस्पी बनेगी, बिल्कुल मार्केट जैसे ही। बस अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए अभी बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए जो हमारे कांदी भजी का मिश्रण बिल्कुल रेडी है। देखिए जब हम इसको ऐसे हाथ में लेते हैं और जब हम इसे हल्के हाथ से दबाते हैं तो इसका ऐसा एक गोला बनके तैयार हो रहा है। बस हमें ऐसा ही इसका मिश्रण बना के तैयार करना है। तो हमारा मिश्रण बनके तैयार है। अब हम गैस पर तेल गर्म करने के लिए रख देंगे। कढ़ाई में हमने तेल गर्म करने के लिए रख दिया है और जो हमारा तेल है गर्म हो गया है, क्योंकि हमने इस मिश्रण में सोडा या फिर इनो नहीं डाला है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच गरम गरम तेल। गरम गरम तेल डालने से क्या होता है ना कि जो हमारा पकौड़े बनेंगे एकदम क्रिस्पी बनेंगे, बिल्कुल मार्केट जैसे। तो आप जब भी पकौड़े बनाएं या मंगोड़े बनाएं, जब भी आप जिस चीज़ को क्रिस्पी करना चाहते तो उसमें गर्मा गर्म 2 चम्मच तेल डाल दीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कि जो हमारा ऑयल है मीडियम गर्म हो चुका है। अब हम उंगलियों को थोड़ा सा गीला करेंगे और बिना आकार के ऐसे छोटे छोटे बॉल्स डाल करके इसमें डालते जाएंगे। इसका कोई शेप नहीं होता, इसलिए इसमें शेप का कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस ऐसे छोटे छोटे बॉल्स इसमें हम डालते जाएंगे। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर उलटते पुलटते हुए एकदम गोल्डन होने तक तल लेंगे। आप सोचते होंगे ना कि जो रेस्टोरेंट वाले होते हैं, होटल वाले होते हैं, उनके जो पकौड़े होते हैं या जो कुछ स्नैक्स बनाते हैं वो इतने देर तक कुरकुरे कैसे बने रहते हैं। तो उनकी एक ट्रिक होती है। सबसे पहले वो क्या करते हैं, जो भी वो स्नैक्स को तलते हैं तो उसे आधा तल लेते हैं और आधा तल के उसे निकाल लेते हैं और फिर ठंडा होने के बाद उसे फिर से तलते हैं, जिससे कि जो स्नैक्स बनते हैं वो काफ़ी समय तक क्रिस्पी बने रहते हैं। क्योंकि जो हमारे पकौड़े काफ़ी अच्छे से सीख चुके हैं, एकदम क्रिस्पी हो गए हैं। देखिए कितने बढ़िया बनके तैयार हो गए हैं। अब हम इसे निकाल लेते प्लेट में और इसी तरह से हम अपने सारे कांदी भजी बना लेंगे। फ्रेंड्स देखिए हमारे टेस्ट से क्रिस्पी कांदी भजी बनके तैयार है। अब हम इसे निकाल लेते प्लेट में। फ्रेंड्स तैयार है हमारे सुपर टेस्टी सुपर क्रिस्पी झटपट बनने वाले मानसून स्पेशल कांदी भजी। आप इसे जरूर ट्राई करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। अगले नई रेसिपी के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, खाते रहिए खिलाते रहिए।